दिल्ली में नरेंद्र मोदी जिले में कहीं नहीं है। भगवान का भी एक दो साल आपका कार्यकाल बकाया है, हम सभी लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दे, सहयोग दे, लिख रहे हैं। और इनका व्यक्तिगत कोष ब्राह्मण समाज को काम देता है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब। हालांकि नियम बता कि आप आए और अपना पे आज भगवान परशुराम जयंती के इस अवसर पर यदि मां की कोख में अभी यदि पैदा भी नहीं हुआ और उसे पूर्ण रूप से विकसित और पूर्ण रूप से उसे अग्रणी मान लिया जा रहा है, हो रहा है, वह चिंता का विषय है। धर्म शास्त्र ऋग्वेद यजुर्वेद दुनिया के जितने वेद हैं उनको आप उठा के देख लें, ब्राह्मण को यदि ब्राह्मण ने जिस देश का जिस समाज का नेतृत्व नहीं किया वो उसका सर्वनाश हो गया। और आज सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है शोषित है तो वो ब्राह्मण। हमें लगता है, मैं भी राजनीतिक दल में काम करता हूं, सारे जाती है तो जो ब्राह्मण समाज का अगुआ ब्राह्मण है सबसे पहले वो तितर बितर होने का काम वही करता है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वोट बैंक की चिंता किए बिना यदि यह समाज जीवित रहेगा, यदि यह समाज रहेगा तब जाके आपका वोट बैंक भी रहेगा, तब जाके आप किसी भी राजनीतिक दल में काम कर सकते हैं। अपने समाज में जो वर्तमान में जो ब्राह्मणों की हालत है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां मंच पर बैठे लोगों से, रीवा संभाग में रीवा संभाग से ही ये आग लगानी है, किसी का घर नहीं जलाना है, लेकिन जो आग लगानी है उसमें जरूरत पड़ेगी तो तेजाब भी डालने का काम करेंगे। और यदि ये कोई चिंता करता हो कि ये जाति सूचक ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाएंगे तो मैं समझता हूं संघर्ष करते करते मेरा तो पूरा जीवन व्यतीत हो गया, उस उठने वाले हाथ को काट लिया जाएगा और उस देखने वाली आंख को फोड़ दिया जाएगा। ये भी ब्राह्मण समाज के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम तलवार चलाना नहीं जानते, ऐसा नहीं है हम सीमा की सुरक्षा करना नहीं जानते। जब सीमा की सुरक्षा की बात होती है तो एक बार वो अफगानिस्तान गए थे, उन्हें वो गजनी गए, गजनी से लौट के आए, भारत की पार्लियामेंट में उन्हें कहा कि भारत का एक समाज ऐसा है जिसको हथियार उठाने से वंचित कर दिया गया और यही कारण है कि गजनी ने महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। सोमनाथ के मंदिर को कोई लूट नहीं सकता था। मैं मेरे घर में प्रतिबंध का कार्यक्रम छूटा है, मैं सबसे हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि कल मेरे बेटे का प्रतिबंध है, जरूर पधारेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये परशुराम भगवान भी